दोस्तों जैसी बंदरिया में बन लात दई सो बंदरिया ताल में जाए कि जब गिरी सो बहुत सुंदर कन्या बन गई। नगिन शरीर शरीर पर कोई वस्त्र नहीं तो अब लड़की जो हती सो बरगद पे तो ना चढ़ पाई इतनी जल्दी और बरगद की खोह में छुप के बैठ गई। अब जब बंदर जगो सुबह ने सोची बंदरिया जी ने कहा चली गई। फिर भाई सुत आई कि अरे हमें जगाते रही थी और जब पुरानी याद आई कि मोए जगाते रही हती अब तो दिल में बड़ो हैरान हुआ ऐसा मेरे भैया। अरे अब बंदर मन में पछतावे कूद कूद के ताल नहावे लेकिन वह घड़ी निकल गई। जब ही सुते आए सोई बंदर ताल में कूद जाए लेकिन फर्क कछु नाए पड़ो। अब बंदर मन में पछतावे कूद कूद के ताल नहावे नातन में कोई अंतर पावे अपनी करनी पे पछतावे। मेरे भैया अब तो बंदर बड़ो परेशान परेशान सोच रहे अब हम कहा करें दुखी है बहुत दुखी है। ऐसा ही नहीं मन में अब पछताए करूं क्या दुखी दिल भारी और मन में अधिक विचार कैसे हुई है गुजरा हमारी। ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये क्या हुआ ना जाने कहां पे हुई है बनारी हमारी ना जाने कहां पे हुई है नारी हमारी रे नारी हमारी। मेरे भैया अब तो बंदर बड़ो हैरान है जब ही याद आते हैं तब ही ताल में कूद जातू है लेकिन फर्क कछु ना पड़ो और जब कोई फर्क ना पड़ो है बंदरिया सोचन लगी जो लड़की बन गई थी कि हमारे पति की दुर्दशा है परेशान है तो बाने जो खोह में बैठी हती बाई में अपने पति बंदर को बुलाओ और बुलाएबे के बाद में जवाब दो कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो बंदर अपनी करनी पर पछताने लगा है। हुआ ऐसा उस लड़की के साथ में वो बंदर जो था वन में रहने लगा। अब लड़की वो बन चुकी वो बंदर लेकिन थे दोनों पति और पत्नी। भैया उस लड़की ने बंदर का पीछा नहीं छोड़ा वो अपना पति उसे मानती थी। बंदर जारोबार से फल लेके आता तो जो लड़की को खिलाया करता था कि रह न लगे बाई वृक्ष पे बे दोनों रह न लगे दे बाई वृक्ष पे बे दोनों एक बंदर एक नारी जी रहने लगे थे भाई प्रच्छत पे दोनों एक बंदर एक नारी जी। पर लड़की जो हती दिन भरी घुसे बाकी खोह में बेचारी जाके तन पे वस्त्र कोई नहीं जी अरे बन फल लाबे बंदर तोड़ के अब देसु बन फल लाबे बंदर तोड़ के मेरे भैया जो खाई जी है बसु जी।
से अति प्रेम है मेरे भैया। अरे बंदरा से रे अति प्रेम है मेरे भैया, जो की पति दीरता नारी दी। हुआ ऐसा कि वो लड़की को बंदर जो है तो सुजार बावर से फल लाए के हुए खबाता। तो एक दिन ऐसो बहुत ज्यादा दिन हुई उन्हें पाए वह लड़की बने, चार पांच दिन हो पाए तो अले लड़की जो हती सो बरगद की खोह में बैठी हती और बंदर जो है तो सो चलोगो जंगल में। हुआ ऐसा जब बंदर चलोगो वे दोनों जो थे कि इसी तरह से बाबन बीच में रहते समय बिताई। वे दोनों समय बिताए रहते भाई जंगल में तो ले एक राजा, अरे खेलन चलो शिकार भूप भाई बन में पहुंचो जाई रे। राजा जो है तो शिकार खेलन के लिए गो, शिकार खेलते ही खेलते भाई बरगद के पेड़ के नीचे से निकलो, लेकिन बाकी नजर कहूं दूसरी जगह पड़ी गई, कहां बखो हमें। तब देखी पुरुष को लली शरम से सुपी वृक्ष में जाई रे। नगिन थी देखी पुरुष को लली शरम से छुपी वृक्ष में जाई रे, और सुंदर सूरत नारी की जब देखी नजर बढ़ाई रे। पर राजा ने और जो लड़की दूर से देखी तब के काले केसर ने नकजला रे चित बन गई कलेजा खा। ए प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी चमके निलारी चंद्र समानी। ऐसा ही नहीं खोले केस में चेहरा दम के गोरे हते भमीरी गारी। यो बन में भरपूर हूर सम गई रग रग में नार समाई। अब राजा सोचने लगा कि न की जाई कहां से आई कि न में बन में दई छुड़वाई। ही मन में विचार किया है प्यारी नारी बने हमारी सारी चिंता जाए नसाई। जैसे ही बाने बिटरिया की तरफ देखो सो भैया भूत सवार होएगो और राजा सोचन लगो जब कैसे हमारी औरत बने, न जाने किन ने इन बन में छुड़वाए दे इतनी बढ़िया तो आज तक हमने पे नजर से कम देखी ना। ऐसो करो बाने के अपो कोड़ा जो है तो सो जाने बूझ के बाने नीचे गिराए दो घोड़ा पे और कोड़ा जमीन पे गिराए के फिर वह लड़की से आवाज लगाई और जकई लली जे हमाओ ने कोड़ा हमें पकड़ाए दे। वृक्ष की खो में से वह लड़की बोली क्षमा करना प्रभु मैं नगिन हूं। सोई कहने लगा घबरा नहीं। वो लड़की बोली महाराज कोड़ा पकड़ाने के लिए मैं थकी नहीं जा रही हूँ लेकिन मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है। कि बोली है बेटी मैं नगिन हूँ परदेसी, हम कैसे आऊं तेरे पास जी। बोली है बेटी दुपट्टा दीनो भूपने मेरे भैया जाए पहनी चे
कैसो भो? जब लड़की ने जकई क्षमा करना महाराज, मैं नगिन हूँ। सोई पर राजा ने दुपट्टा उतार के फेंक दो, जकई जाए पहले हमारा कोड़ा हमें पकड़ा दो। पर लड़की ने वो दुपट्टा को पहरो और जब चली आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाओ कोड़ा देने को मेरे भैया, हाथ बढ़ाओ कोड़ा देने को मेरे भैया, बाने घोड़ा पे लई है बैठा जी। भैया एकदम से लड़की की बने कलाई पकड़ी और बैठा लो घोड़ा पे, संगई लेके चल दो। सोई ब लड़की बुरे तरीका से रोवन लगी, चिल्लान लगी और कहने लगी, महाराज मुझे अपने साथ न ले जाओ, मुझे अपने साथ न ले जाओ, मैं किस तरह से तुम्हारे साथ जीवित रह पाऊंगी, न जाने हमारे पति का क्या हाल होगा इस जीवन में। लेकिन राजा के हृदय में दया ना आई और जब राजा ने लड़की को ना छोड़ो और जब कही देखो तुम बन बन में इधर उधर भटकती घूम रही हो और न जाने किसने तुम्हें छोड़ दिया यहाँ, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना करके रखूंगा। जो ये वचन सुने हैं तो वो लड़की हाथ जोड़ करके कहने लगी, जब देखा कि मेरी पेश नहीं जाएगी, वो लड़की बोली है, महाराज तुम लगो धर्म के पिता के सुकुमारी, साल के बाद में तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, लेकिन 12 साल तक तुम हमारे धर्म के पिता हो, मैं तुम्हारी कन्या हूं। ये कहा उस लड़की ने, महाराज करोगे तगा जो संग में आप, मैं पति वीरता नारी, मैं पति वीरता नारी, तुम्हें कही कि 12 साल तक तुम हमारे धर्म के पिता हो और मैं तुम्हारी कन्या हूं, उसी समय जवाब दिया, कोई बात नहीं, अब भाव ऐसो कि लड़की को वो राजा जो हतो सो अपने घरे बुलाए के लेगो, उहे वो बंदर लौट के आओ। जैसी बंदर ने लड़की को ना देखो, तो भैया बंदर नाए देखी नारे,
तो खाई पछार गई कहां नारी, क्या देखी अकेली औरत को के खाई गौ शेर शिकारी। बंदर सोचने लगा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, शायद हमारी औरत को कोई शेर खा गया। बिल बिलाई बिल खाई करूं क्या हाई, कहां है दुखियारी नारी मेरी प्यारी। अरे बिन नारी के दिल में रे चिंता बढ़ गई बारी। मेरे भैया वो बंदर जो है तो बिना लड़की के परेशान हो लगो, और जब ही याद आते सोई बरगद के वृक्ष पे चढ़ जा तो बताल में छलांग मात, लेकिन वैसे के वैसे ही बेचारे दो चार डोका और लग जाता है निकर हाथ है हो तो कछु ना है। ये ऐसो बो के बजो लड़की हती, लड़की बर राजा के घरे जब पहुंची सो बर राजा की बहने रहे बहने, बे हसी मजाक करो करें सोचे कहा है अबे ना है तो कल कल ना है परो अब हो जाई तो बने हो ही जा में कौन सी बुरी बात। उतमे बासु कुमारी ने आडर दयो कराई, नाच दिखावे बंदर को वो इनाम ले जाए। लड़की ने जे आदेश करवाओ कोई बंदर को नाच दिखाए वो इनाम लेके जाए, मन में जस सोचन लगी कहूं ऐसा ना हो जो हमारे पति को बंद के न चले आए। वह बात सोच के सोची मन में बात ये कहीं पति ही ना फंस जाए, भटकत हुई है मो बिना मोय देखन को मिले ना। मन में सोचने लगी न जाने हमारे पति का हाल क्या होगा, और जब जे आर्डर करवाओ है कि बंदर को हमें नाच दिखाओ जाए तो बंदर को नाच कराने वाले जो है ना माला माल कछु के नाम हो गए, रोज नाच हो भान और कोई ना कोई नए नए बंदर रोज लेके आ जाए विदेश के चक्कर में। हुआ ऐसा के रोज रोज बंदर बां आबे डमरू बजाए के नाच नचावे। लेके इनाम घर को जावे लड़की पति को पतो लगावे, चैन नहीं है चैन नहीं है। महलन में रोबे पनरायु तबन खड़ा पछितावे, कैसी करे कहां को जावे कहां नारी को पतो लगावे। मेरे भैया बड़ो परेशान, उत बंदर परेशान इधर वो लड़की परेशान, अब वे बंदर को जो नाच दिखाए को आए नाम लेके घर को जाए लेकिन बू बंदर ना आओ, जब ना आओ तो एक औरत को पति जो हतो सो चलो गो तो ना पड़वाने के घर है सो वह लग गए दो चार दिन सो हुआ ही बू जब घर लौट गया उस सुबह की औरत ने ठाड़ो ना हो जब अब तो मत हो चले गए सड़वाइन थे कर्म परे भेतो साड़ू सड़पने की, लेकिन जना तुम्हारी समझ में आते राजा के घर एक बिटरिया आ गई। बिटरिया हाँ, अब बंदर को नाच करवाते न जाने कहा भाई दिखा तो सो जोन से बंदर को नाचो देखते है भाई इनाम देते तुम उन्हें ऐसो करो चले जाओ। सुबह ने कही कोई बात ना बंदर अबे अबे आलम देख के आए वहीं बैठो हम जा। सुबह ने रोटी लाई तीन चार जो कुछ मिली घर
और रत्ता में ये चलो हाँ पहुंचो वन वन में और ये बंदर जो है तो बंदर अपनी उस औरत के याद में कि एक दिन बैठो बाकी याद में मेरे भैया तोले पीछे से लो है दबाई जंजीरन बाको चली दायो मेरे भैया भाई बंदर को बांधी जंजीरन लेके चली दायो मेरे भैया कोई पहुंचो जहां है सुकुमार दी भैया भाई बंदर को पकड़ लो बाने और नाच कराएबे को चलो है भाई लड़की के द्वार को लेकिन वो लड़की ने दूर से जो देखो सोई समझ गई कि आज बंधे चले आ रहे दूर से देखो पहचान के यो बोली आज लागत कंठ हमारी जी सोचन लगी आज मालूम पड़ रही हमारे पति बंधे चले आ रहे हैं अब नाच कराएबे को जब पहुंचो है लकड़ी हाथ में लेके भैया अब लकड़ी से मान लगो नाच कर अब बिन्ने कबो नाचो हो तो बे नाचबो जाने ना बेचारे और बावर से जैसे ही लकड़िया मारो करे सोई कूद के हुए गिरे हुए से मारे सोई कूद के बावर गिरे बेचारे जाने ही ना नाच न जाने नाच नाच न जाने बे नाच को मेरे भैया सब बोली उठी थी सुकुमार दी अब बंदर को नचाए रहो है लेकिन वे बेचारे नाच जानत ना हते जाओर से मात बावर कूद के गेत बावर से मात तब जाओर कूद के गेत सोई बात पे दर्द बा को ना देखोगो जब दर्द ना देखोगो तो वह लड़की बोली ऐसो करी भैया तू जाके जो कीमत ले सो तू हमें बता दे लेकिन जब बंदर को हमें दे दे सोचन लगो कोई बात ना जान का है तुम ले लो सुबह बंदर को हुआ ही छोड़ो बाने अबू अपने घरे चलोगो वह लड़की बड़ी खुश है वह बंदर को पाए के और उस बंदर के ही साथ में रहने लगी उसका बड़ा सम्मान करती है आदर करती है लेकिन जब बात हुआ ना काव को ना है मालूम कि जब पति और पत्नी है एक दिन है सुबह बाकी जो बहने थी ना बहन नंदे सोचती थी कि कल पर हमारी भौजाई बने आई उन्हें बंदर को लो और खटिया से बांधो बांधबे के बाद में और एक जो हती सुबह लड़की को बुलाए के दूसरे घर को चली गई और वो बंदर हुई बंद हो रही हो तो बंदर छोड़ के महल में चली गई सुकुमारी बाराजा की बहन दुई पहुंची बाके द्वार बंदर को छोड़ के चली गई और दो बहने आई गई सो एक एक लकड़िया दोनों ने उठाई और जवाब दो कि आज जाको नाच देखें जब रोज देखते आज हम ही तुम देख लेंगे ना है ना आज देखें कैसे नाच तो देखें नाच बंदर को बोली यो हर साय लकड़ी लेके हाथ में और रही है नाच कराए भैया अब बेचारे नाच वो जानते ना है थे जाओ से लकड़िया छेदते बा कूद की बाहर गिर जाए बाहर से छेद देते भाव ऐसो उपदेश कि बेचारे दोने में उज्जी गए अब जब दोने में उज्जी गए लकड़िया मार मार के बने कान लगी सोचन लगी ना चुका रहा हूं भाव ऐसो के बने लग गई फांसी और भाई में सीताराम हो गई
अब जब बाई में खत्म हो गए दोनों में लटक के फांसी जब लग गई तो लौट आई सुकुमार के नजर पसारी जो दशा निहारी और हालत देखी कि सैया की के रोई देख लकारी। ये क्या हुआ अगर मैं ये जानती तो मैं छोड़ के नहीं जाती। सब लोग रहे समझाए मती घबराई अरे सुकुमारी दस बीस मगावे बंदर रे के सुन ले राज दुलारी। लड़की पछाड़े खाए खाए के बंदरा के ऊपर जब बिलखन लगी रोन चिल्लान लगी तो कुछ लोग समझान लगे काय को मरी जाते। अरे एक बंदर मरी गो मर जान दे ऐसे हजारों बंदर मंगवाए दी काय को मरी जाते कोई बात ना मत जान दे ना घर परिवार को हतो। अब वे लोग जका आ जाने के जे पति और पत्नी है भाव ऐसो ब लड़की कहने लगी कि मैं तो अब इसी बंदर के साथ में सती होंगी। सब सोचन लगे जा की जत ही मत कटी गई अरे ब्याह कर लेती तब ही सती होती मत जा तो बुता। और जब बंदरा के संग सती हो सब समझाए रहे लेकिन बाने काऊ की ना मानी। अब बे आस लगाए जो 12 साल की बैठे हते उन्हों की आस सब धूरे में मिली गई। बे बहुत समझा रहे काऊ को मरी जाती परेशान ना हो। लड़की ने ना मानी और लेके बंदरा बैठी आगे में सुकुमारी। सब देख रहे थे नारा नारी धन्य धन्य तोसी नारी को पति बिरता तूने लीनो है धर्म कमाई दी। अरे पति के संग पोतो जरी गई मेरे भैया तोसी धन्य पति बिरता नारी जी। बंदर के संगम बजरी गई और सब लोग जराए के जब चले आए सोचन लगे चलो कहानी खत्म भाई ना परिवार कहती मरेगी मर जान दे। हुआ ऐसा कि रात को भोले बाबा पार्वती जी के संग आए तो रात में बच्चिता तो एक जल रही थी राजेश लेकिन बच्चिता में लपटे दो निकल रही। तो पार्वती जी ने पूछी महाराज समझ में जन आए रही कि चिता एक है लेकिन जा में लपटे अलग अलग दो क्यों हैं। तब भोले बाबा ने समझाई कि जब पति और पत्नी हैं लेकिन योनी अलग अलग है एक मानव योनी में है एक बंदर में है। बोले कि ऐसी कौन सी असमंजस की बात आप कर रहे हैं कि पति और पत्नी है फिर भी बंदर और स्त्री। भोले बाबा ने कहा हाँ ये कुम्हार कुम्हारी थे सारी कहानी बताई फिर ये कहा कि ये जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। भक्तो हुआ ऐसा कि वो लड़की जो मर गई थी और वो बंदर ने जाए कि जब गांव में एक लड़का बन के जन्म लिया है किसान के घर में तब उसका नाम सदा वृक्ष रखा गया। अब लड़की ने जाए कि बाई गांव में एक साहूकार के घर में जन्म लिया है तब उसका नाम सोरंगा रखा गया। क्षमा करें ये कहानी की जड़ अब पड़ पाई है और यहाँ से आगे अब कहानी की जो कथा रह गई है इस सदा वृक्ष सोरंगा में भाग दूसरे में हम आपको राजपूत कैसेट के द्वारा समझाएंगे तो इंतजार करें। आगे कहा कि बिटिया जन्मी जाके से ठीक है मेरे भैया ताको सोरंगा है गो सोमा नाम जी। लड़की को और उनको ना सदा वृक्ष रखो लेकिन क्षमा करें सदा वृक्ष ने जब सोरंगा की तरफ एक दिन पहले दिन देखा देख तू ही रहेगो
कछ पुरानी याद आने लगी। लड़की ने लड़का को जब देखो तो घंटन देखती कही काऊ से कछु ना, और घंटन देखते ही रहे एक दूसरे को। अब आगे की कहानी का इंतजार करें।